वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको स्पॉटिंग एरर, बहुत दिन से आप परेशान कर रहे हो कि सर कॉमन एरर नहीं बनता, स्पॉटिंग एरर कैसे होता है, तो मैं आपको स्पॉटिंग एरर पे कुछ कुछ वीडियो दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आराम आराम समझाऊंगा, आराम आराम से दूंगा, तो आप इसे करने का प्रयास करो, देखने का प्रयास करो। बिल्कुल 3 सेकंड नहीं, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लोगे। जहां भी देखो गौर से, यहां हमने पढ़ा नो सुनर डीड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट वेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली विच ड्रेंच मी कंप्लीटली नो एरर। अब हम लोग करते क्या है कि जहां भी क्वेश्चन मिला हिंदी निकालने का प्रयास करते हैं, कभी गलती ना करना। जब भी हो देखो दो चीज पे इंग्लिश टिका हुआ, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कोई रूल वूल नहीं होता, एक फैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको यह पता है कि नो सुनर का क्या यूज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखने का प्रयास करो कि आज ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि नहीं बनता है, देखते हैं करके। सबसे पहले हमने कहा कि नो सुनर की बात हमने करा, यहां पर लिखा हमने नो सुनर। नो सुनर जहां कहीं आपको दिखता हो, इसके तुरंत बाद, नो सुनर के तुरंत बाद दो चीज को सर्च करें। एक काम सर्च करें कि तुरंत बाद डीड आया, अगर डीड नहीं आया तो डीड आ चुका है, अगर डीड नहीं मिलता तो हम चेक करते हैड लगा है कि नहीं, तो डीड या हैड में से कोई एक चीज आएगा ही आएगा, तो डीड आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, मतलब कोई गलती यहां तक नहीं है। वो अगर नहीं होता तो हम चेक करते और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, यानी नो सुनर डीड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नो सुनर हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद इन दोनों के साथ हम नो सुनर के साथ देन लगाते हैं और प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। अब चेक करते कि नो सुनर डीड आई कम हो गया, आउट ऑफ माय होम हो गया, टू गो हो गया, टू मार्केट वेन। अब ध्यान दीजिए यहां पे वेन, अब देखिए नो सुनर के बाद देन आता है कि वेन आता है, जल्दी बोलो। नो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ध्यान दो इसको। नो सुनर के बाद क्या आता है? देन। अगर आपने लगा दिया वेन, लगा दिया दैट, तो ऐसा करना गलत होगा ना बाबू, तो आप समझ नहीं रहे हो। यहां लगा क्या वेन और दैट नहीं लगेगा, आप हिंदी बिंदी ना निकालो, आप 1 सेकंड में आंसर। नो सुनर जहां कहीं भी आया, पहला चेक करो डीड और हेड है कि नहीं, दूसरा चेक करो कि नो सुनर एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। अब इसके साथ कभी भी नो नहीं आएगा, कभी भी नॉट नहीं आएगा, तो नो सुनर के साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस मैं रहो आप, तो नो सुनर के तुरंत क्या चाहिए? डीड चाहिए। अब डीड लगा हुआ है, देखो डीड, सब्जेक्ट चाहिए, लगा हुआ है सब्जेक्ट आई, फिर देखो वी वन कम, कम लगा हुआ है, बाकी से वो कोई मतलब है नहीं। आगे चेक करेंगे कि देन लगा है कि नहीं लगा है। एक क्वेश्चन कहां का चेक करो, एसएससी 2017 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ आपके एग्जाम को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप देखो इसको, तो वेन का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा। इस वेन की जगह क्या लगाएंगे सर? तो इस वेन की जगह आप देन लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी इसमें गलती ढूंढा जाए तो बी पार्ट में गलती है, वेन का प्रयोग नहीं होगा, वेन के बदले देन लगाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या कहा, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स। अब ध्यान दो आराम से, जब भी आप बनाइए कॉमन एरर, हमने क्या कहा, दो ही चीज होता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में रूल नहीं होता। तो अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ नो एरर। अब देखिए अनलेस यू डोंट ओबे ए पार्ट हो गया, योर एल्डर्स यू डोंट बी पार्ट हो गया, विल नॉट सक्सेस सी पार्ट हो गया, और नो एरर डी पार्ट हो गया। अब आप सोचते रहो फटाफट और जल्दी से इसका आंसर बताओ अपने दिमाग लगा करके। अब देखो अनलेस यू डोंट, अब यहां गौस देखिए, यहां पर दो तीन बात मैं आपसे करूं, अनटिल और अनलेस, ये दो शब्द है, इन दोनों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, आने वाले क्लाउज में विल या शैल लगाते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब अनलेस अनटिल है क्या? तो अनटिल और अनलेस ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, इन दोनों के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अनटिल और अनलेस के साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अनटिल और अनलेस के साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं करना, नो या नॉट का प्रयोग नहीं करना। अब पढ़ के देखो, अनलेस यू डोंट, अब बताओ मैं क्या करूं, 2017
एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, तो हमने कहा अनलेस यू डोंट, आप बताओ बेटा गलती हुआ कि नहीं, क्योंकि अनलेस के साथ नो नॉट आता है नहीं, क्योंकि हिंदी होता है अनटिल, अनलेस का हिंदी होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, तो इसका हिंदी होता जब तक नहीं, तो इसके साथ जब तक नहीं तो लगा हुआ है, तो फिर नो नॉट कैसे लगाएंगे, इसका हिंदी होता है जब तक नहीं, तो जब तक नहीं इसका खुद हिंदी है, तो बोलो इसके साथ नो नॉट नेवर आएगा क्या, नहीं ना, तो बोलो अनलेस यू डोंट, यही तो गलती हुआ, तो सही क्या हुआ सर, अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, डोंट को पूरा ला दो, सेंटेंस आंसर क्या हो गया, ए पार्ट में ही गलती होगी। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो आपके आसान, इफेक्ट है, इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो इफेक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का आइडिया आपके पास होना चाहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पार्ट समझने के लिए, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अब देखो सेवरल ग्रेट बैटल्स, हम लोग हिंदी निकालते हैं कि सेवरल मतलब ढेर सारा, ग्रेट मतलब महान, बैटल मतलब युद्ध, ऐसे हिंदी नहीं निकालो, बार बार समझाता हूं आपको, एरर निकालना है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट का ज्ञान रखो। तो सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द, अब यहां तक गलती कुछ दिख नहीं रहा, अमंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स, अब देखो पकड़ में आ गया होगा, अब देखो एक आदमी हो गया ब्रिटिश, एक आदमी हो गया अमेरिकन्स, कितने हो गए दो, अब तुम बोलो जल्दी से अमंग का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, जल्दी बोलो क्या, किसके लिए, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, ध्यान देना बिटवीन और अमंग दो वर्ड है और एक वर्ड होता है अमंगस्ट, ये तीन वर्ड होते हैं बेटा, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए और अमंगस्ट का प्रयोग जो भौवे लेटर से शुरू होगा, जैसे आप बोल सकते हो अमंगस्ट अस या अमंगस्ट आवर, हम लोगों के बीच में, तो अमंगस्ट अस, यानी यहां पे बिटवीन जब दो व्यक्ति हो, यू सैट तुम बैठे हो बिटवीन राधा एंड सीता, तो राधा और सीता के बीच में बैठे हो, है ना, द पीएम इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, यानी क्राउड क्या हो गया, बहुत सारे भीड़ है, तो वहां पे अमंग का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, तो बोलो यहां पे अमंग ब्रिटिश और अमेरिकन दो ही लोग हुए ना, तो क्या ये दो के लिए अमंग आना उचित रहेगा क्या, नहीं ना, तो क्या लगाएंगे हम, बिटवीन, तो इस अमंग को हटा के हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे बच्चे, अब बोलो समझ में आया, और अमंग का प्रयोग कहां करेंगे, दो से ज्यादा के लिए, जैसे एग्जांपल दिया डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन टू बॉयज, बिटवीन टू बॉयज, जहां टू लगा है वहां बिटवीन आएगा, फिर हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग 15 पुअर स्टूडेंट्स, तो 15 बोल दिया हमने पुअर स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा, तो अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए और बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। मैं छोटा छोटा वीडियो आपको जगाने के लिए दे रहा हूं, पढ़ाने के लिए नहीं दे रहा, आपको पढ़ना है तो अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली आ सकते हो और मेरा लाइव क्लास कर सकते हो, मेरे यहां बैठ के पढ़ सकते हो और मोबाइल बैच भी कर सकते हो, अब दिल्ली दूर नहीं रहा, आराम से आ सकते हो। मैं दयमेन सर हमेशा आपके लिए वीडियो देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, आप सीखते रहो, टेक्निक करते रहो, मैं हमेशा वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।